संवाद ही कहते हैं, आयोजित करने वाले जेपी फाउंडेशन और स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज, इनके तमाम साथियों को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। सम्मान पर तो मेरी सहमति नहीं दी गई थी, ये पहले ही स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैंने तो एक बड़ा देता है वैसे ही मैं साबित नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे यहाँ जेएनयू में आपके कड़े संघर्ष के बाद एक प्रकार की झूठी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ की जीत के बाद आने का और आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन जो आदरणीय कुमार प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं उनको बोलना चाहिए, और प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने इतनी ग्रंथ संपदा जिस अनोखे राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में और उनके संपूर्ण क्रांति की विचारधारा के बारे में निर्माण की है, उन्हें बोलना चाहिए। ऐसा ये संयुक्त प्रसंग है। लेकिन मुझे जेएनयू में आने में हर वक्त ही यादव साहब बहुत ही खुशी होती रही है, एक प्रकार से फीडबैक देना और फीडबैक लेना। और इसलिए जब आरोप लगने लगे तब मैं यहाँ तो कम ही आ पाई, क्योंकि हम भी फंसे धसे हुए थे एक अनोखे संकट और चुनौती में। लेकिन मैं हर जगह जाकर जोर से ये बोलती रही कि कौन से जेएनयू के विद्यार्थियों पर किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं गवाह हूँ। तो लोग थोड़े से सुनते तो थे कि मैं जाती रही हूँ हर 3-6 महीने में, और रात को देर देर पर कितनी सुंदर बहस और सवाल जवाब करने वालों पर ये भद्दर आरोप कोई ये मैंने लगाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, वगैरह वगैरह। और कन्हैया कुमार जी से लेकर मोहित पांडे तक या आपके सभी जन संगठनों के साथी, जैसे संत प्रकाश हमारे साथ जितने और जैसे जुड़े रहे हैं, और आप सब लोगों ने नर्मदा आंदोलन में और राष्ट्रीय जन आंदोलनों के समन्वय के विभिन्न कार्यक्रमों में जो सहभाग लिया है, उसके लिए सही में मैं शुक्रगुजार हूँ। उसको भी प्रकट करने का मौका आनंद कुमार जी की अनुपस्थिति में सही पर मुझे मिल रहा है, ये भी एक बहुत अनोखी बात है। जयप्रकाश जी को याद करना और उनकी स्मृति में बोलना यानी सही तो संपूर्ण क्रांति का एक चित्र और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया को सामने रखना जरूरी है। लेकिन आज मैं उतना अभ्यास न होते हुए भी सही, और आज वो विषय न होते हुए अनुभवों को मैं रखूं, ऐसा कहा गया है कि जेएनयू में आते हुए जो अपन भूमिका बनाते हैं वो एकेडमिक भूमिका ज्यादा बनाते हैं, ये भी मैं आपको कहती हूँ। लेकिन आप सभी लोग वैसे कोई केवल सिद्धांतों और तत्व ज्ञानों में खोए हुए नहीं है, इसलिए मैं दोनों पर बात करना चाहूंगी। ये निश्चित कि आज राष्ट्र नहीं होती है, होता है कुकर चलता, ये कहने वाले सत्ता में बैठे हैं और वही आरोप लगा रहे हैं जनता के उन सही जनप्रतिनिधियों पर जो राष्ट्र का चित्र चरित्र चेहरा भी उनमें देखते हैं, जो मेहनत कश है, जो प्राथमिक उत्पादन में लगे हुए हैं, जो सही अर्थ से प्रकृति के संरक्षक हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को समझते और मानते हैं, और जो दूसरों के शोषण नहीं तो खुद के शोषण के सामने लड़ते रहते हैं। और इसलिए ऐसे तमाम तबकों को ही राष्ट्र का जो एक एक हिस्सा है वो समझना और उनमें ही अपने राष्ट्र का बदलता रुख भी देखना
जिसमें केवल राज्य नहीं होता है पर जन जन शामिल माना जाता है, उसके आधार पर बने संवैधानिक भूमिका, संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक संरचना, तमाम पहलुओं को जो जनतंत्र के पहलू माने गए हैं उनको आज नजरअंदाज करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं वही राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रवाद के मुद्दों को उछाल रहे हैं। और वही है कि जो इस राष्ट्र के इन सही राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन, अपनी मेहनत, अपनी कुशलता, अपनी कटिबद्धता और अपने सपने भी करने वालों को नजरअंदाज करके देश विदेश में दुनिया में घूम घूम कर यहाँ बुलावा दे रहे हैं उनको, जो कि इस राष्ट्र को एक प्रकार से बर्बाद करते जा रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि इन तमाम प्रक्रियाओं को और उनके लक्ष्यों को, उनके सपनों को धिक्कारते हुए लड़ना और संघर्ष करना और अपना एक वैकल्पिक मार्ग खोजना, यही एक सबसे बड़ी चुनौती आज हम सब लोगों के सामने है। संघर्ष और निर्माण, हम दोनों को अपना कर आगे कैसे बढ़े, इस पर गहरा चिंतन ही नहीं पूर्ण चिंतन जरूरी है, ये आप भी मानेंगे और मैं भी मानती हूं। और इस चिंतन में सबसे अहम लक्ष्य होना चाहिए हिंसा। आज अलग अलग आधार पर अलग अलग कारण देकर जो हिंसा हमारे सामने नए नए और एक एक रूप लेकर आई है, वो जीने के अधिकार के लिए ही नहीं, जीवन दर्शन के साथ जीवन और जीविता कायम रखने के लिए जो जो कटिबद्ध खुद को मानते हैं उन सबके सामने चुनौती है। चाहे वो विकास के नाम पर हो रही हिंसा हो, चाहे वो जाति और मजहब के नाम पर। और इस हिंसा को थोपने का रास्ता हिंसा नहीं है, ये समझने वाले लोग यहाँ मिले। आपने रूस की क्रांति का भी की याद करते हुए स्वागत किया होगा, फिर उसको दोहराया होगा, पर उसके साथ और उसके बाद भी हिंसा की चुनौती दुनिया से मिटी नहीं है, इस बात को भी याद करना जरूरी है। और इसीलिए अहिंसा को केवल एक रणनीति नहीं पर मूल्य मानकर हम लोग कैसे आगे बढ़े, ये सवाल सबके सामने है। विकास के नाम पर हो रही हिंसा, जैन धर्म गुरुओं ने समझी नर्मदा के मुद्दों को लेकर, उस हद तक शायद हम नहीं जा सकते हैं। भगवान महावीर और उनके अनुयायी जिस प्रकार से एक कीड़े मकोड़े को भी बचाने के लिए अपना जीवन दर्शन और जीवन प्रणाली बदलते हैं, वो एक बहुत ऊंचे स्तर का या बुनियादी स्तर का कहे विचार दर्शन है। लेकिन आज जिस प्रकार से, जैसे कहा जा रहा है अभी उपलब्ध अवकाश में मीडिया पर, विकास गांडो थयो छे, विकास पागल हो रहा है, सही में ये शब्द सुनते ही हंसी आती है हमें भी। लेकिन ये विकास का पागल होना नहीं है, ये विकास खोरों का पागलपन है कि वो विकास के नाम पर अपनी राजनीति और अर्थनीति हिंसक रूप से आगे बढ़ाए जा रहे। और ये हिंसा जिन जिन पर आक्रमण कर रही है वो तमाम इस देश के तबके, राष्ट्र की बुनियाद ही नहीं पूरे मानव जात की बुनियाद है, वो ही है कि जिन्होंने आज तक यहाँ का पानी, यहाँ की जमीन, यहाँ का जंगल साबित रखा है, जीवित रखा है, उसके वो संरक्षक बनकर संघर्ष भी करते रहे। और बराबर वही भुगत भोगी भुक्त भोगी है कि
कि जिनके हाथ से एक एक ये संसाधन छीनने के लिए हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र का उपयोग हमारे सत्ताधीश कर रहे हैं। ये इतना भीषण संहार जो केवल नर्मदा घाटी में एक एक गांव की हत्या होते हुए देखते हुए हम नहीं मानते कि हम सम्मान के लायक हैं। हम नहीं समझते कि हम आज भी एक जितने स्तर का और जितनी ताकत का जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं उतना कर पाए। हम नहीं मानते कि हमारे आंदोलन की कई जीतों के और कई प्रक्रियाओं से मंजिलों तक पहुंचने के बावजूद आज अंतिम मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। और यह हिंसा जो हो रही है उसके भुक्तभोगी ही सही में यहाँ आने चाहिए और आप और हम सब लोगों ने उनके ही द्वार में होना चाहिए हर क्षण, हर दिन, हर शाम, हर सुबह। ऐसा समय है। आजादी आंदोलन में अगर विद्यार्थी निकल पड़ते थे, मेरे ख्याल से कुमार प्रशांत जी और बहुत सारे आनंद कुमार जी वगैरह उसके उठे भी, तो उसके बाद के संपूर्ण क्रांति आंदोलन तक, तो आज भी वही समय है। आप में से अगर पांच भी निकलेंगे तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। और जेएनयू के संचालकों को और यहाँ सत्ता में बैठने वालों को भी शायद खुशी होगी, बहुत से लोगों को निकलते हुए जो निकालते जा भी रहे हैं, मैंने सुना भी हुई। लेकिन ये निश्चित है कि इतना कठिन समय और इतनी कड़ी चुनौती है कि हम केवल एकेडमिक डिस्कोर्स से नहीं समझ पाएंगे, ये मेरा नम्र निवेदन है। और इसीलिए पहले तो जो चुनौतियां मैं यहाँ उद्धृत करूंगी उनको प्रत्यक्ष वहीं जाकर, वहीं पहुंचकर, हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में देखना, समझना और वहां संघर्ष करने वालों के साथ एक हो जाना, न केवल सिंपथी पर एम्पथी के साथ, और उसके भी आगे चलकर अपन भी उसका हिस्सा संघर्ष का हो जाना, ये सबसे अहम भूमिका। सिटीजन और सिटीजनशिप के बारे में बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर अधिकांश रूप में टेरिटरी से जुड़ी हुई परिभाषा होती है। हमारी टेरिटरी क्या है और उनकी टेरिटरी क्या है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को मानने हुए भी उसके भी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और जीवन दान उनको करना पड़ रहा है उनके अपने टेरिटरी को बचाने के लिए, जबकि वो भी सिटीजन है और हम भी सिटीजन है, हम भी नागरिक है, पर हम नागरिक समाज की परिभाषा में अधिक आते हैं और वो कम। जैसे कि सिविल सोसाइटी हम है और वो अनसिविलाइज्ड है, तो इसलिए इस दूरी को नष्ट करना, खत्म करना और हमारी नागरीकरण की परिभाषा उनके सही जीवन दर्शन से ही बदलना, ये भी एक जरूरी काम है, चुनौती भरा है जरूर, क्योंकि हमारे आज के दायरे, हमारी टेरिटरी, हमारे सपने, हमारा करियर, ये सब छोड़कर तो कोई नहीं करे, ऐसी भी एक भावना सबल होती है और वो समझने जैसी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें तो लगता है कि ज्यादा समय नहीं बच सकते, ज्यादा रुक नहीं सकते वो लोग जो संघर्ष में लगे हुए हैं, आप सबका उनके साथ मिलाप देखने के लिए। आप इस पर सोचिए जरूर, जो मैं हर बार जेएनयू में रात देर रात तक बहस करते हुए महसूस करती आई हूँ। और आपने अपने शिक्षा के मुद्दे से लेकर इस राष्ट्रवाद के मुद्दे तक एक प्रकार से संघर्ष ही नहीं सामना किया है उन तत्वों का जो इस हिंसा के बुनियाद में है, जिनकी सोच इस हिंसा को आगे बढ़ा रही है और जिनके अस्त्र भी हिंसक है। तो जरूरी है समझना हमें भी कि ये कभी ना कभी होने वाला है। आपके यहाँ के संघर्ष, यहाँ के जन आंदोलन, इस विकास के नाम पर चल रही हिंसा के सामने भी बहुत सशक्त रूप से खड़े होंगे। मैं अर्थात जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा और इनसे जुड़ी हुई हिंसा को लेकर ये कह रही हूँ, बाकी तो आप हिंसा के सामने खड़े रहेंगे। पर ये जो प्राकृतिक संसाधन है जो कि आज अलग अलग प्रकार से छीने जाते हुए दिख रहे हैं, उनका
असर कोई विस्थापितों तक सीमित तो है नहीं, ये सही में संपूर्ण राष्ट्र क्या पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। आज जब बैठे हैं, बहुत सारे हमारे भी कुछ साथी गए हैं जर्मनी में, क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा खत्म हुई होगी या चल रही होगी, मुझे पता नहीं, तो जाना बंद ही कर दिया करीबन, क्योंकि बहुत चर्चा होती है, परंतु यहाँ का पूरा क्लाइमेट न केवल प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक भी बदलते हुए हमें उन मुद्दों पर सही में कृतिशील होने का अवकाश ही खत्म करते हुए दिखाई देते हैं, वो जो नुमाइंदे हमारे बनकर वहां चर्चा में बैठते हैं। तो इसलिए आज सही में जो पूरे परिणाम है इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने के और नष्ट करने के, इसको हम बड़ी चुनौती और हिंसा की चुनौती के रूप में देखना जरूरी है। समाज का खत्म होना हो रहा है सब प्रकार से, चाहे वो शहर में बसे हुए लोग हो, चाहे वो गांव में। आदिवासियों की बात तो बहुत मूल निवासी के रूप में अगर हम समझेंगे तो हमारे नजरिए से देखते हुए तो मैं कहूंगी कि उनका तो हर प्रकार का वास, निवास, आभास सब कुछ खत्म किया जा रहा है। उनके से ही निकले हुए नेतागण भी उस मूल निवासियों का प्रकृति से जुड़ाव समझ नहीं रहे हैं, तो फिर और किसके पास जाए हम आरोप लेकर कि आप तो आदिवासी नहीं है, तो आपको क्या अधिकार है सवाल करने का हमारे कृति में लगे हुए लोगों के सामने। ये भी एक चुनौती है कि हम उनके घर में जन्म न लेते हुए भी एक ब्राह्मणवादी बनकर न जाए, पर एक विचार को लेकर और उनके हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े रहने वाले के रूप में केवल एक नुमाइंदे भी नहीं तो समर्थक के रूप में भी अगर जाए तो डटकर खड़े होकर इन तमाम आरोपों का जवाब दे तो कैसे दे। ऐसे एक चुनौती के अंदर कई सारी चुनौतियां होते हुए आज संघर्ष जारी है, और इसलिए हर नागरिक का, हर जो अपने को संवैधानिक दायरे में नागरिक मानता हो या मानव जात के एक सदस्य के रूप में एक इंसानियत के तहत अपने को एक इंसान मानता हो, उसकी भूमिका इसमें अहम हो रही है। वो भूमिका अपने खुद के जीवन प्रणाली से लेकर ही शुरू होती है। हम अगर भरसक पानी और बिजली इस्तेमाल करने वालों में ही रहे तो हमारा नैतिक अधिकार, जैसे गांधी ने कहा था, खत्म होता है बोलने का, और इसके लिए हम सब लोग कम अधिक दोषी हैं। हम सब लोग एक कंटिन्यूम में हैं और कहते जाते हैं, जैसे गांधी ने उस बच्चे के बारे में कहना टाल दिया था कि मैं नहीं कहूंगा इसे गुड़ खाने से, मैं रोकूंगा भी नहीं जब तक मैं नहीं समझता कि क्या होना चाहिए और उसे अपनाता नहीं। तो ये एक बड़ी चुनौती है जब हम विकास और विकास की अवधारणा, हिंसक अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द में जो फैला है वो हमें भी न केवल आकृष्ट करता है, आकर्षित करता है, नहीं भी होगा, लेकिन हमें एक प्रकार से निगल जाता है। हमारे जीने के तमाम आयामों को बदलने के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम इस समाज का एक बना बनाया हिस्सा बनकर नहीं रह सकते, ऐसा एक डर सा मन में पैदा करता है। पर वही हमारी जीवन प्रणाली इतने बड़े जल के, नदियों के, जमीन के, जंगल के, पहाड़ों के, खनिजों के और उसके साथ जुड़कर आज तक जीवित रहे समाजों के हिंसा का कारण है। ये हिम्मत से कहने की भी एक चुनौती है, हम कम से कम पहले कहे और फिर चर्चा आगे बढ़ाए। आज हम जो देख रहे हैं, जल से ही शुरुआत करें, पूरा जल का और नदियों का खत्म होना एक बाजू, और इसको हम लोग उद्धृत करते और वर्णित करने जाए तो कोई कहेगा अरे पर इतने निराशावादी सुर में क्यों बोल रहे हैं, बहुत तो चल रहा है नदियों के बचाने के लिए, सदगुरु खड़े हो गए हैं और क्या कहें, श्री श्री रविशंकर ने भी तो नर्मदा सेवा यात्रा में हिस्सा लिया और वो आए शिवराज सिंह के साथ अपने 15
साधुओं को और बाकी आशा कर्मचारी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लेकर एक एक जगह हेलीकॉप्टर से उतर के आम सभा करने के लिए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने कितना नदियों का ख्याल रखा है, हमने कितना ख्याल रखा है, ये मैं पहले ही सवाल उठा चुकी हूँ, इसलिए कोई नाराज ना हो जाए उनके भक्त भी हो तो। लेकिन एक स्पष्ट चित्र सामने उभरना जरूरी है कि आज जल और नदी के बाद अधिकांश करने वाले, प्रचारित करने वाले है कौन। नदी के किनारे पीढ़ियां गुजरने वाले पहुंच भी नहीं सकते मीडिया तक, उनके जो मीडिया है माध्यम, उसके वो बने बनाए माध्यम करता है, वो ओरल ट्रेडिशन के उनके गीत ही नहीं, उनके नारे ही नहीं संघर्ष के, तो उनकी भावनाएं और उनकी आस्था नदी से जितनी जुड़ी है उतनी किसकी जुड़ी है, जो नदियों को रिक्लेम करते हैं उनकी, या जो रिजर्व फॉरेस्ट में अपना आश्रम बनाते हैं उनकी, जहां वो अडानी और अंबानी के द्वारा और तमाम लोगों के मिस्ड कॉल के द्वारा 800 करोड़ रुपए एकत्रित करते हैं, जिन पर आरोप लगे होते हैं कई प्रकार के केसेस में कि उन्होंने नदी बर्बाद की, चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, और उसमें आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होते हैं, जैसे सतगुरु के अभी मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, वो शब्द निकलते ही मुझे कहा गया, अरे पर वो तो यहाँ उपस्थित नहीं, क्योंकि लाइव हो रहा था, अरे वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो मैंने कहा इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ताकि वो भी उपस्थित हो जाए हमारे मंच कार्यक्रम में। साथियों, ये बहुत समझने की बात है कि बहुत चर्चा तो चल रही है नदियों की, लेकिन चर्चित नदियां नहीं है, वो पूंजीपति है जिनका पूंजी निवेश चर्चित करना और उससे समाज के सही भावना रखने वालों को भी आकर्षित करना, और वही है नदी बचाने वाले। इसलिए नदी किनारे के लोगों की सफाई करके एक अलग प्रकार का स्वच्छता अभियान, वहां पूरे पेड़ पौधे लगाने की बात करना, ये एक भ्रम फैलाने की बात है, बहुत बड़ा भ्रम। और इसके कारण जो हिंसा नदी घाटियों की हो रही है उसको एक प्रकार से मान्यता मिल रही। अगर आपको 1 किलोमीटर दोनों बाजू पेड़ लगाने से ही नदी बचाने का सपना पूरा होना है तो 1 किलोमीटर दोनों बाजू कौन बैठा है आज तक, ये तो देखा जाए। नर्मदा के ट्रिब्यूनल ने 10 साल में केवल 3 मंदिरों को विजिट की और सरदार सरोवर का निर्णय ले लिया। आज नदी मर गई, नदी मर गई, सरदार सरोवर के नीचे अब मैं ये शब्द बोलूंगी तो मेरे पुतले जलाए जाएंगे। लेकिन आप जाकर देखिए चुनाव प्रचार को जरा भूलकर कि क्या हुआ गुजरात में नर्मदा के नीचे वास का, 100 किलोमीटर नर्मदा सूखी पड़ी है, तीर्थ भंगार हो रहे हैं और समुन्द्र 45-50 किलोमीटर अंदर आया है। ये 150 किलोमीटर की नर्मदा जो गुजरात के किनारे है पर चुनावी राजनीति के ने दरकिनार कर दी। तो ये हालत होते हुए कोई उस पर बोल नहीं रहा है। बात तो चल रही है जल परिवहन की, 22,000 करोड़ रुपए की, 22,000 किलोमीटर की जल परिवहन की योजना, नर्मदा के पर्यटन की, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगने वाले हैं और ठेका रिलायंस को दिया गया है ताकि परिक्रमा वाहन परिक्रमा में परिवर्तित हो जाए, उनका बोलबाला है और उनके पास जो पूंजी है वो नदी, जल, जमीन, जंगल, मेहनत, ये सब एक पूंजी प्राकृतिक निरंतर, इसको लेकर पीढ़ियों तक जीने वालों के हाथ में नहीं। ये दो जो विभाजन है, दो दायरों का, उसको मिटाने की चुनौती हम सब में है। हम कहेंगे हम कैसे करेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। जो जहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं बस उनके साथ खड़े होना, जेएनयू के, डीयू के बहुत सारे विद्यार्थी संगठनों ने तो ये किया ही है, हमने उसका लाभ लिया है, उससे बल पाया है, प्रेरणा ली है, पर और भी नजदीक जाना जरूरी है, ये मेरा आग्रह के साथ कहना है, क्योंकि वहां की
एक एक नदी के जल के स्रोतों की आज की ताजा स्थिति अपने नल के सामने खड़े रहकर ब्रश लगाते हुए तो कभी नहीं देख सकते। ये जरूरी है कि हम सब लोग इस पूरे दोहन के साथ साथ जो हिंसा है उसको समझे और फिर जाए। ये जमीन के साथ भी हो रहा है, एक नए प्रकार की जमींदारी, लैंड रिफॉर्म्स और सब कुछ बाजू में पड़ गया। कॉन्करेंट लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि यूनियन लिस्ट में है, इसके पास छोड़ भी दो, कॉन्करेंट लिस्ट में मुद्दा है जमीन का। पर आज जमीन ही सही जमीन के ऊपर बैठे हुए लोगों के पैरों तले की छूट रही है, और कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े पैमाने। किसानों का मुद्दा जब उठा है तो ये जमींदारी का मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जमीन के टुकड़े पर आज पूंजीपतियों का गीतों के जैसा ध्यान है। और इसीलिए किसानी को, खेती को खाटे का सौदा रखना, सही उपज का दाम नहीं देना, और दूसरी बाजू ये न केन प्रकारे न कानूनी तरीके से भूमि हड़पना, चाहे खरीद कर हो चाहे अधिग्रहण के साथ हो, ये आज भी जारी है। इतने कड़े संघर्षों के बावजूद ये खेतीहरों की हिंसा भी एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी है, क्योंकि दिन दहाड़े जमीनों का हस्तांतरण, अपनी अन्न सुरक्षा, आज रात की रोटी से जो हमारे हाथ में अभी भी बची हुई है वो कहां तक बचा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो अन्न पैदा करने वाले हैं उनके अनाज और उपज को ही नहीं, उनके जीवन प्रणाली को, एग्रीकल्चर में जो कल्चर भी है उसका ही सम्मान खत्म करने वालों की चुनौती हमें स्वीकार करना जरूरी है, किसानों के साथ खड़े रहना जरूरी है। मौका है, 20 नवंबर को किसानी संसद लगने वाली है, किसान मुक्ति संसद, किसानों को मुक्ति आत्महत्याओं से, किसानों को मुक्ति इस भूमि हस्तांतरण से, किसानों की मुक्ति आलसी न होते हुए भी आने वाली थोपी गई कर्जदारी से, किसानों की मुक्ति आज बाजार और पूंजी जो अन्न को ही जहरीला बनाते जा रहा है, और अगर जैविक पर गए तो उन जैविक उपजों को भी जाइए और देखिए, फेस्टिवल लगी हुई है, हड़प कर अपने पैकेजों के द्वारा ही प्रचारित करने वाले कंपनियों से और कंपनीकरण से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, किस किस की बात कहें। तो बहुत चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। ये आक्रोशित करते हुए किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली में, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग एक नागरिक ही नहीं, इंसान ही नहीं, अन्न खाने वाले के रूप में भी उनके साथ खड़े होंगे, जैसा कि ऐलान किया ही गया है। कम से कम एक हाथ में प्लैकार्ड लेकर खड़े हो जाए और कहिए कि किसानों पर कर्ज नहीं है, हम पर किसानों का कर्ज है। और जो मान रहे हैं कि वो बोझ है इस देश पर और उस बोझ को खत्म करना चाहिए, उन लोगों का वो बयान बिल्कुल बाजू में करते हुए साबित कर दीजिए कि दिल्ली के यूनिवर्सिटी के हर छात्र को किसान से जुड़ाव न केवल मंजूर है पर एक अपने जीवन की बुनियाद के रूप में स्वीकार्य है। तो ये बहुत ही महत्व की बात है, यही है हिंसा के खिलाफ की लड़ते। आज जो आदिवासी जंगल में जी रहे हैं अब कम कम होते जा रहे हैं वन अधिकार कानून के बावजूद, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार देने की बात उठ भी रही है पर उनका वो सामुदायिक जीवन, उनका वो जंगल के साथ जुड़ाव, वो जेएनयू के अभ्यासक्रम में या रिसर्च में कहीं कहीं झलकता होगा, पर आज वो समाज के लिए एक दर्शन बनकर नहीं रहा है। और एक जंगलवासी या वनवासी बोलने से उनको पूरा एक पिछड़ापन का एक आरोप उन पर लगाना, ये ऐसा ही है जैसे हमें विकास विरोधी या आपको राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। और इसीलिए उनकी जो जीवन प्रणाली है, जिसने ही जंगल बचाया तो नदी बची, और नदी बची तो भूजल बचा, ये एक पूरा चक्र जो अवैध रेत खनन अंधाधुंध करके माफिया की राजनीतिक गठजोड़ के द्वारा खत्म किया जा रहा है,
उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम खड़े हैं कोर्ट में, हम खड़े हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में, हमारे हाथ में सब ऑर्डर्स है, पर कौन मानता है कोर्ट के ऑर्डर को? ये भोपाल गैस पीड़ितों ने या दलितों ने, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की तो वो अवमानना नकारने की हिम्मत की बात नहीं है, ये कहीं उन्होंने ही नियुक्त किए हुए जजेस का एक बेंच बनाना और उन्हीं को चुने चुनाए प्रकरण याचिकाएं पिटीशन थोपना और उसके आधार पर आगे बढ़ना, या अगर कोई जनवादी फैसले आए तो उसको बिल्कुल बाजू में दरकिनार करने की हिम्मत रखना, ये एक कुर्मी की बात है और वो भी इस हिंसा का एक बड़ा कारण है। नहीं तो कहीं अगर गांव खत्म हो रहे हैं, नदी खत्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, उखाड़ कर फेंक रहे हैं और ये बढ़ते मात्रा में हो रहा है, ये हम देखेंगे तो इसको हिंसा के रूप में चुनौती मानकर हम खड़े हो जाएंगे। खड़े हो भी रहे लोग, झारखंड में खड़े हैं, छत्तीसगढ़ में खड़े हैं, कहाँ नहीं है, हर नदी के किनारे है, हर समुन्द्र किनारे मछुआरे हैं, पर एक बड़ी चुनौती उनके सामने आज है कि हिंसा को ही विकास माना जा रहा है और इसलिए एक विकास के नाम पर चलने वाली राजनीति को चुनौती, मुझे नहीं लगता है कि केवल चुनावी राजनीति में उतर के हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि चुनावी राजनीति में तो ये मंत्र और तंत्र अब प्रभावी साबित हो चुका है, ये कब बदलेगा पता नहीं है। बिहार में ऐसा लगा कि ये बदलेगा, बाहरी के खिलाफ बिहारी खड़ा होकर, पर वो चले गए बाहरी के साथ तो बिहारी बाहर हो गया। बिहार की सोच और मेहनत कशों की जो हमारे गरीब बस्तियों में है, वही बेचारे अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं अब, जबकि उन्होंने जा जाकर अपने गांव गांव में हमारे स्लम से निकल निकल कर मुझे कहा था, देखो बिहार ही आखिर चुनौती देता है, और सही भी है। लेकिन जयप्रकाश जी के आंदोलन की संपूर्ण क्रांति की रूपरेखा भी जहाँ बनी और आंदोलन का सबसे सशक्त रूप गुजरात का नहीं उतना जहाँ देखने मिला, वहाँ आज यह अवस्था मार्ग ही नहीं मंजिल बदलने वालों की, जनता के साथ धोखाधड़ी करके वहाँ की भी जमीन, वहाँ का भी पानी और झारखंड की खनिज संपदा तक हर कुछ हड़पने की ही एक प्रकार की साजिश है। और इसलिए अर्थनीति का ये आयाम बदलने के लिए हमें गांधी की ओर ही देखना पड़ता है। वो भूदान, वो ग्रामदान, वो संसाधनों को पूंजी नहीं तो विश्वस्त के हाथ में रहे साधन जीने के, जीविका के, दर्शन के मानना अब कहीं दिखाई नहीं देता। कर्नाटक में एक अभियान चला, हमारा गांधी हमें वापस दो, ये कहते हुए लोग पहुंचे हर ऑफिस में और उन्होंने चुनौती दी। नए नए कार्यक्रम हो सकते हैं, पर ये उजागर करने की बात कि आज जो बोल रहे हैं गांधी के नाम पर, गांधी जयंती हमने तो मनाने नहीं दी, हमारे यहाँ जहाँ गांधी समाधि रात को 3:30 बजे नर्मदा किनारे से उखाड़ कर उन्होंने फेंक दी थी जेसीबी में, कीचड़ में वो अस्थि कलश भर के, जो कि हमने रोके भी थे, वापस लौटाए थे, लेकिन 2 घंटे के बाद अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने वाले हम सोचे कि चलो अब तो हमने लौटा कर फिर वहां रखी और हम जरा बाहर तैयारी के लिए गए तो उन्होंने फिर उसको उखाड़ कर फेंक दिया। तो हमारे लोगों ने नहीं आने दिया मंत्रियों को, नहीं आने दिया अधिकारियों को, 3 मिनट में आकर एक फूल चढ़ा कर चले गए, उनका बना हुआ 1000 लोगों का भोजन भी व्यर्थ साबित हुआ। तो ये बात अलग अलग प्रकार के उन्हें सामने आमने सामने करते हुए चुनौती देने की है जो हम सब लोग कर सकते हैं। बस केवल गांधी जयंती न मनाते हुए हम लोग, उन्होंने जो गांधी का अपमान करना जारी रखा है और नामकरण गांधी का, जप करण गांधी का और विचार और आचार विरोध पर उल्टे ये जो जारी है उसको चुनौती देना जरूरी है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि इस मुद्दे पर तो विकास के जरूरी है कि हम सब लोग एक तो पोल खोल में मदद करें आम लोगों की, क्योंकि समझ में नहीं आता लड़ने वाले, अपनी भूमि बचाने वाले, अपना चल बचाने चाहते वाले कि क्या सही में वो विकास में मदद नहीं कर रहे हैं।
कौन आ रहा है उनके ऊपर आक्रमण करता हुआ। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के छात्र अध्ययन करेंगे तो जगत शक्ति को वो एक आधार साबित होगा और एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अब केवल लोकलाइजेशन किसी भी चीज का रहा नहीं है। जो वैश्वीकरण आज बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ही लेकर आता है और उसी के आधार पर यहाँ की हर विकास परियोजना चलती है, उन परियोजनाओं की पोल खोल करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आखिर क्रांति की भाषा हम कितनी भी बोले, माओवादी भी तो तेंदू पत्ते की कीमत से शुरुआत करते ही हैं। तो जरूरी है समझना कि ये सभी हमको करना होता है मूवमेंट में जिसमें हमको मदद चाहिए। तो आम नागरिक क्या कर सकते हैं, ये बात और ही है। वो रास्ते पर आ सकते हैं, वो आते भी है कई अर्थ से, कभी हिचकिचाते भी है क्योंकि उन पर डायरेक्ट अटैक होता है, कभी उनको ही चुनौती लेते हुए मुश्किलें आती है। लेकिन आप जैसे विशेष नागरिक में अगर कहूं, बुद्धिजीवी जिनको माना जाता है पर जो श्रमजीवियों के बारे में भावना रखते हैं, उन्होंने अपना हर कार्य, एकेडमिक कार्य भी इस प्रकार के संघर्ष और आंदोलनों के साथ जोड़ना, ये भी एक अहम भूमिका हो सकती है। आप इस पर सोचिए, ऐसे रिसर्च के कोई थीम्स या टॉपिक्स नहीं ले, बंद करे, जिसका मात्र एक एकेडमिक उद्देश्य है। सिद्धांतों पर, तत्व ज्ञानों पर, जीवन दर्शन पर अध्ययन होना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, पर भविष्य की ओर, सही मंजिल को ओर ले जाने वाला अध्ययन ही हम करेंगे। ये जेएनयू के संघर्षशील छात्रों की तो करते करते आप इस प्रकार के आंदोलन का जो हिंसा के खिलाफ चल रहे हैं, आप हिस्सा जरूर बन सकते हैं। हिंसा और कितने प्रकार की ये मैं क्या कहूँ, पर इस पर एक विकल्प के रूप में जो बात जेपी ने कही थी, जो बात आखिर में संविधान में देर से आई, उसको हम हरदम अधोरेखित करते हैं, आपको इसमें कैसे योगदान देना संभव होगा, हम सबको इस पर भी सोचना चाहिए। वो चुनौती है विकेंद्रीकरण की, पूरा नियोजन इस देश का आज जिस प्रकार से हो रहा है, वो प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो वो नीति आयोग बन गया। अब नीति आयोग किस दिशा में ले जा रहा है, हर नीति को ये देखने की बात है। हर नीति को वो एक प्रकार से पूंजीकरण, कंपनीकरण और केंद्रीकरण की तरफ ले जा रहा है, और उसको चुनौती देना हम किस किस प्रकार से करें। आप तो कर ही रहे हैं इस प्रकार से, ऑक्यूपाई यूजीसी से लेकर आपके जेएनयू के आंदोलन तक, आपने कई प्रकार से इस सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो हरदम अपने लक्ष्य बनाई है। लेकिन आज जो इतना भयावह रूप इसका दिख रहा है, वो कॉर्पोरेशंस और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। स्मार्ट सिटी क्या है, कितने सारे लिंक्स को ये क्या चल रहा है, दूसरा ही कुछ चल रहा है। तो ये जो एक पूरा दायरा है इनकी घुसपैठ का, जिसको पीएन भगवती के जजमेंट में, न्यायमूर्ति भगवती जी के जजमेंट में बहुत अच्छी तरह से उद्धृत किया है कि सो कॉल्ड स्टेट, द वेलफेयर स्टेट को हम लेके बैठे हैं संविधान के रूप में, लेकिन उनका तो दायरा ही खत्म करने वाला कॉर्पोरेटाइजेशन। अब उस समय पीएन भगवती ने इतना सुंदर कहा था, वो पैराग्राफ अभी ढूंढ रही थी, मुझे तत्काल मिला नहीं, बहुत महत्व का है। और आज तो उससे कई गुना अधिक घुसपैठ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो स्मार्ट सिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, हर प्रकार से पब्लिक सेक्टर ही नहीं, पब्लिक स्पेस खत्म कर रहे हैं, उसको चुनौती कैसे दी। मीडिया पब्लिक विचार मिलने देखा, अब पब्लिक विचार को कौन सुनता है, अपने मन की बात चल रही है। तो अभी अगर इस प्रकार के एक सिटीजनशिप से, सिविल सोसाइटी से कहो, आम आदमी और औरत भी मैं जोड़ती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आम आदमी और औरतों की तरफ से निकले हुए, अगर ये चुनौती भले वैकल्पिक आयाम अपनाने की हिम्मत हम करेंगे तो ही कुछ होगा। हम सब इसमें बहुत कम पढ़ रहे हैं। मीडिया अब जो हमें सोशल एक प्रकार से बना देने वाला सोशल मीडिया उभर रहा है,
वो भी कोई कम नहीं है अत्याचार, उन पर अत्याचार हो ही रहे हैं, पर क्या ये हमारा अंतिम होगा? आधार नहीं, हमारे माध्यम वैकल्पिक होने हैं तो उसकी पद्धति क्या होगी? एक तो फेसबुक नहीं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो हम कहां तक पहुंच पाएंगे लेकर? ये हमारे हर रोज के नहीं तो हर वीकेंड के 2 घंटे भी अगर हम बिताएंगे हमारे से अलग तबके के साथ, जैसा एक आवाहन चपनम आजमी ने किया अजमंदर जी की, ये क्या है, अनहद ने किया, तो उसी प्रकार से मेरे ख्याल से एक ऐलान हम सब जन आंदोलनों के साथ ही करना चाहिए। गांधी जी की भी ये विशेषता थी, बाबा साहब की ये विशेषता थी, लोहिया की एक विशेषता थी, उन्होंने अपने स्तर पर अपने उस स्थिति में अपने खुद के माध्यम पैदा किए। अब आज कितने ग्रंथ पढ़ने वाले कितने लोग मिलेंगे हमको ये हम जानते हैं, पर जरूरी है ना ये वारसा जतन करने का और ये पहुंचाने का। तो हम ये धन, विचार धन, अभ्यास से निकला हुआ किस प्रकार से पहुंचाएंगे? हम जेएनयू में तो देखते हैं पोस्टर्स भी कितने अपीलिंग और कितने विविध प्रकार से होते हैं, क्या हम लोग ये आम जनता के मुद्दों को भी, जैसे ये विकास के नाम पर हिंसा का मुद्दा है तो भी कैसे पहुंचाएंगे, और वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की बात भी कैसे पहुंचे? अभी डीमोनेटाइजेशन को लेकर रघुराम राजन का बयान कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी हुआ, इतना ही नहीं 24,000 करोड़ रुपया उस पर ब्याज भी दिया गया। अब एक आंकड़ा भी कितना प्रभावी होता है, पर क्या वो दिनों दिन और रातों रात वहां कतार में खड़े रहकर जिनका रोजगार खत्म हुआ, जिनकी महिलाओं की पूंजी खत्म हुई, जैसा रविश कुमार जी ने पहले उजागर किया और हम सब लोग अरे सही है ये मुद्दा है, लेकिन ये सब मुद्दे जैसे उभरते हैं अपने दायरे में रहते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समाज का तबका इस तक पहुंच नहीं पाता या ये विचार या आंकड़े उन तक पहुंच नहीं पाता। हम कैसे माध्यमों का अवलंब करेंगे ये एक चुनौती आज है, ताकि हम एक जो ग्लोबलाइजेशन और दूसरे बाजू ग्लोबल गांव के नाम पर ग्लोबल पूंजीपतियों का उन्हीं पर आक्रमण, ये जो विरोधाभास है उसके पोल खोल करके रहेंगे। मेरे ख्याल से हम सब लोग कम अधिक बुद्धिजीवी है और हमने अपना कुशलता, अपनी बुद्धि, अपने नए सृजनशील आविष्कार अभिव्यक्ति का उपयोग इस प्रकार से विश्लेषण के लिए करना, ये ऐसी चुनौती है। पर साथ साथ अगर हमको उस वैश्वीकरण के हमले के सामने गांव को जिंदा रखना है, मोहल्ले को जिंदा रखना है, उसके द्वारा जनतंत्र को जिंदा रखना है, तो फिर वहां जाकर ही काम करना पड़ेगा। गांव चलो का 1970 का आवाहन आज सबसे महत्वपूर्ण आवाहन है, और केवल गांव चलो नहीं, मोहल्ला चलो, फलिया चलो, पर चलो वहां व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सअप नहीं है पर वो व्हाट्सअप ही है, व्हाट्स डाउन, ये देखने के लिए चलो। तो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा तो नहीं हो आपके अभ्यास के बाद भी आप कम से कम 1 साल दे दीजिए, धरातल पर ही जनतंत्र का एक नया रूप प्रकट करने के लिए, जो आप जिसमें हम सब लोग इतने कम पढ़ रहे हैं, इतने कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव से गली तक और गली से विश्व तक ये सब कवरेज हमारे लिए संभव नहीं है, और इतना अकेलापन आता है कि जो लोग इतने जानते हैं इस पूरे वैश्विक हमले के बारे में, एक विकृति के दर्शन के बारे में, वो यहाँ आकर जनतंत्र बचाओ कहने वाले भी, यहाँ आकर एक जनतंत्र का रूप छोटा बड़ा भी उभारने में, महिलाओं की शक्ति खड़ी करने में, युवाओं की शक्ति खड़े करने में क्यों नहीं जुड़ सकते हमारे साथ, ऐसा विचार आता है। इसलिए आप में से कई यही विचार रखकर शायद अपना अभ्यास करते होंगे, पर ध्यान में रखना कि भले ग्रेजुएशन नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं तो पीएचडी, पर उसके बाद
जैसे एक बार जाते हैं विदेश में और फिर कभी लौट के नहीं आते, कहते तो है कि मैं भारत को बदलने के लिए जा रहा हूँ, परिवर्तन लाने के लिए जा रहा हूँ, पर मैं देखती हूँ कि क्वचित ही पीछे आते हैं और आते हैं तो अपने ही बदले हुए दायरों में खो जाते हैं। आप कम से कम एक साल इस प्रकार से जिस जनतंत्र का खात्मा हो रहा है उस जनतंत्र को छोटी इकाइयों में भी खड़े करने के लिए देते हैं। ये हर नागरिक का, क्योंकि नागरिक यहाँ कहा गया है, हर नागरिक का, हर इंसान का, हर देश प्रेमी का, समाज प्रेमी का, समाजवादी का कर्तव्य है, ऐसा मैं अधोरेखित करना चाहती हूँ। हिंसा जो हो रही है वो जाति और मजहब के नाम पर हो ही रही है, आप सब लोग इसे जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। जातिवाद के जो विविध रूप आज आए हैं और उसको बढ़ावा देने वाले ही चुनकर सत्ता में बैठे हैं, उनके तौर तरीके, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्राह्मण को नकारते नहीं है भले, पर ब्राह्मणवाद को नकारते हैं, वैसे उन एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर बोलने की जरूरत भी नहीं है, पर उनका पूरा जो वाद है, जो तत्व ज्ञान है, वो देश को विभाजित करने के लिए राजनीति और अर्थनीति दोनों में इसका उपयोग करने में एक भयावहता सामने आ रहा है। एक बाजू हम जाति निर्मूलन की बात करें और दूसरे बाजू ये आरक्षण का मुद्दा जो भी एक चुनौती भरा है उससे लेकर अपने चुनावी प्रक्रियाओं तक हर प्रकार से जातिवाद को आधार बना रहे। अब आरक्षण की चुनौती कम महत्व की नहीं है और आसान नहीं है सुझाव, ये मेरा व्यक्तिगत है। आज बाबा साहब होते तो क्या कहते, ये भी सोचने की बात है। पर अगर आरक्षण का ये विवाद जो न केवल जाट और गुर्जरों तक, न केवल मीनाओं तक, लेकिन पटेलों तक, मराठा जाति तक पहुंच गया है, तो हमें आखिर ये सोचना पड़ेगा कि हर तबका आरक्षण का आधार क्यों लेना चाहता है, क्योंकि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होते हुए वो एक कुछ समय तक का सुलझाव था और बुनियादी रूप तो यूनिवर्सल इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर ले जाने वाली पॉलिसीज़ में था, सामाजिक न्याय में था, लेकिन वो तो सब भुलाने जा रहे हैं यही सत्ताधीश और दूसरी बाजू को कह रहे हैं कि आरक्षण के कारण जो भुक्तभोगी है उनको हम बचाने के लिए आरक्षण खत्म करेंगे। अगर आप समतावादी समाजवादी दृष्टिकोण से शिक्षा से लेकर गृह निर्माण तक हर क्षेत्र में नीतियां लाएंगे ही नहीं, नियोजन करेंगे ही नहीं, जल का हो, ऊर्जा का हो, जो जो बातें मैंने की, जमीन के बंटवारे का हो, तो फिर कैसे आरक्षण के सिवाय कोई जी पाएगा? एक दलित भूमिहीन विधवा महिला अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगी अगर उसको सही अवकाश नहीं मिला और वो आरक्षित नहीं रखा गया तो? पर आज तो उसके बाद तो बाजू में उसकी सोच भी कोई किसी के मन में नहीं है, अंत्योदय सोच जो रही है, प्रथमोदय कहती हूँ मैं उसको, वो प्रथम है, वो अंतिम भी नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ उल्टा ही गंगा बह रही है। आज पटेलों को कभी आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं थी, क्यों मांग रहे हैं गुजरात के पटेल आरक्षण? वो ओबीसी जरूर रहे हैं पर वो गुजरात का मेन कॉरिडोर जो वापी से अहमदाबाद तक है उस पर बहुत लिखा गया है, ये पटेल समाज के वर्चस्व का क्षेत्र रहा और गुजरात की न केवल उत्तर पूर्व आदिवासी पट्टी की नदियां बल्कि गुजरात की पूर्वी पूंजी और राजनीतिक ध्यान भी उस कॉरिडोर पर सीमित है, ये कहते गए समतावादी सभी लोग और हम भी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि खेती का सौदा घाटे का और खेती का एग्रीकल्चर मिटाने का शिक्षा का वायदा, ये सब के कारण पटेलों के समाज के बच्चे भी अब न यहाँ न वहाँ हो गए हैं और आरक्षण के द्वारा उनको दूसरा रास्ता शायद नहीं दिख रहा है। और वही बात मराठा समाज की है जो राजनीति में महाराष्ट्र के सबसे अहम सत्ता पाने वाले उनके बच्चे उनके पालक रास्ते पर आए हैं,
क्योंकि समाज ऐसा एक न केवल ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ जाते हुए कहीं लटका हुआ है, पर प्रकृति से एक बांकुड़ीकरण, एक पराजीवीकरण जो है उसकी तरफ जाते हुए भी लटका हुआ है, और दूसरे हाथ पर स्वयं रोजगार से नौकरी और गुलामी की तरफ जाते हुए भी बीच में लटका हुआ है, और नया नया तबका इस बीच में लटके हुए समाज में शामिल हो गया है। इस पर विचार करना और विकल्प देना ये बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं हमको आने वाले 10 साल भी नहीं, 5 साल भी, स्टार्ट फ्रॉम 2019 चुनाव के बाद क्या भूमिका होनी चाहिए, इस प्रकार से हर तबके को आरक्षण पर निर्भर न होना पड़े, ऐसी यूनिवर्सल पॉलिसीज, सभी को न्यूनतम जरूरतें पूरी करना ही नहीं, न्यूनतम नहीं, ऑप्टिमम अवकाश और मौका प्रदान करने वाली हर क्षेत्र में क्या हो सकती है, इसका एक चित्र केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं, हम सबको एक सामने रखना चाहिए। 2019 तक भी अगर हम तैयार करें और जेएनयू का एकादा संगठन या सभी संगठन मिलकर अगर ये चुनौती स्वीकार करे, तो मेरे ख्याल से हम आरक्षण विरोधी, मतलब दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी भूमिका बिल्कुल न लेते हुए भी हम लोग सभी को संरक्षण देना अपने जीने के अधिकार के लिए इसका एक चित्र, वैकल्पिक चित्र प्रदान कर सकते हैं। ये बड़ी चुनौती है, विकल्प की चुनौती तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि आज के इस माहौल में ये कोई मानता ही नहीं कि कोई चीज बदल सकती है। हाँ, आवाज उठा सकते हैं, हाँ लड़ सकते हैं, पर आखिर क्या होता है, लोग तो यही पूछते हैं, पर कुछ होता है, और अगर नहीं करते कुछ भी आवाज उठाने का काम तो क्या होता, ये सोचते हैं तो लगता है बहुत कुछ होता है, और इसीलिए जरूरी है कि जातिवाद के नए नए रूप जो आज राजनीति ने अपनाए हैं, और अर्थनीति में नए सिरे से आईटी वाली अर्थनीति हो या और आईएफआई वाली अर्थनीति हो, उसमें परिवर्तित प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उस पर उसको हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, उसकी भी खोल खोल करनी चाहिए। वो भी नहीं है, रोहित वेमुल्ला ने जब अपनी आवाज उठाई और शहादत दी, तब रोहित एक्ट से ले जाने वाले युवा साथियों का केवल जल्लोष नहीं था, एक गहरी सोच और विचार सामने आया था। अब वो आगे कैसे बढ़ाएंगे इस पर सोचना चाहिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज भी संघर्ष जारी है, पर किस प्रकार से हम उस संघर्ष को भी आप भी तय कर सकते हैं, आप अधिक जानकार है, क्योंकि जेएनयू में भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात, भेदभाव की बात अनुभव करने वाले विद्यार्थियों से मैं मिल चुकी हूँ, इसलिए कहती हूँ कि वो वही है और यहाँ नहीं है, या यहाँ है हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम कैसे संवेदना के साथ उन तबकों के साथ खड़े हो जो ही अपना दुख दर्द जानते हैं, पर हम भी जानते हैं कि जाति निर्मूलन के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये बात उठनी चाहिए। जिग्नेश मेवाणी और गुजरात के दलित संगठनों ने जैसे अस्मिता के साथ अस्तित्व की बात उठाई है, ये भी बहुत महत्व की बात है। जातिवाद की चुनौती स्वीकारनी है तो ये दोनों बातें साथ साथ उठानी चाहिए, ये हमारे जन आंदोलनों का मानना है, क्योंकि अगर जमीन पर का अधिकार और अपना स्थान सम्मान नहीं मिल पाएगा दलितों को, तो अस्मिता मिलकर भी वो बिल्कुल ही सीमा पर सीमांत बनकर रह जाएंगे, और उन पर अत्याचार बढ़ेंगे ही, जो केवल अत्याचार विरोधी कानून के तहत नहीं सही जवाब पा रहे हैं, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाता है एट्रोसिटीज एक्ट का। तो जरूरी है कि उनके हाथ में जो संसाधनों का हिस्सा होना चाहिए, जो जीने का जीविका का आधार होना चाहिए, उसके तरफ दलित संघर्षों का समन्वय और मुड़ना, जैसे जिग्नेश भाई नर्मदा में आकर हम सबकी चर्चा हुई तो भी कहते हैं, बिहार में भी उनकी इच्छा है, बहुत सारे दलित संगठन है, वो अकेले नहीं है, पर उसको आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से एक चुनौती है। हम सब लोग कम से कम उनके साथ खड़े हो,
और अपने अपने आंदोलनों के मुद्दे और विचारों को उनके साथ जुड़े तो एक बहुत बाहर आएंगे। सांप्रदायिकता की चुनौती तो क्या कहें, मोहसिन खान से लेकर जुनैद तक, हम कैसे इसका सामना करें, ये सवाल तो बहुत गहरा है। पर आज लोग समझ रहे हैं, ये भी बात कम नहीं है, नहीं तो आप जेएनयू में भी जीतते नहीं जो जीते हैं। और ये भी है कि एक बाजू धर्म का नाम और दूसरी बाजू धर्म के नाम पर ही अधर्म, हम इसको कैसे उजागर करें। गांधी को ये करना संभव हुआ था, हमारे में कोई वो नहीं है, लेकिन आज जो नास्तिक है मेरे जैसे, मैं कोई पूजा वगैरह करती नहीं, ना मेरे पिताजी ने कही, ना मेरे मैंने कभी की, लेकिन ये जरूरी है कि लोगों की आस्था को न नकारते हुए, उसको समझते हुए हम कैसे पेश आ सकते हैं इस अधर्मवादी या धर्म मूल तत्ववादी ताकतों के सामने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब लोग एकदम अधर्मवादी साबित होने की जरूरत नहीं, आस्तिक नास्तिक, पर एक जीने की राह है धर्म, जीने का दर्शन है धर्म, मूल्यों की चौखट है धर्म, और आचार और विचारों के साथ आगे बढ़ने का एक आधार इंसान के लिए है धर्म। इस प्रकार की व्याख्या करें तो एक ओपियम या जहर के उसको उपमा देकर हम नहीं छुटका पाएंगे। हम समझेंगे कि हमारे इर्द गिर्द का समाज कौन किस तरह खींचते जा रहे हैं और हम उसको अपने साथ कैसे ले आगे बढ़ेंगे। सही रास्ते पर मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हर किसी का दर्शन बदलता है, हर किसी की मंजिल भी बदल सकती है। हम लोग उसमें से हैं कि जो अपने अभिव्यक्ति का ही नहीं विचार का भी स्वातंत्र्य मानते हैं, तो कैसे हम लोग इसको चुनौती देंगे। नॉट इन माई नेम जैसे कार्यक्रम भी कुछ उत्साह लाते हैं, प्रेरणा लाते हैं, इस प्रकार के नए नए आयाम आप लोग देते रहिए, हम सब लोग अपनाएंगे। हर मुद्दे पर हर किसी को उतना ही सक्रिय होना संभव नहीं होता है मन में होते हुए, पर हम देखते हैं हमारे आंदोलन में, अभी नर्मदा का आंदोलन, हमारा उपवास और सत्याग्रह जिस चिखलदा गांव में चला, वो चिखलदा गांव एशिया के पहले किसान का जन्म स्थान ये तो है, पर हिंदू और मुस्लिम का एक समान जनसंख्या का गांव, और इतना एक सुंदर चित्र उस उपवास के दरमियान उभरा जो था बना हुआ। कई विवाद और कई दंगे वहां कभी हुए नहीं है, छोटे मोटे विवाद कभी होते भी थे तो एक ही समाज के अंदर भी दो टुकड़ों में होते थे, शिया और सुन्नी के बीच में ही नहीं, अलग अलग नेताओं के अपने दायरे में भी होते हैं, तो ये तो मनुष्य समाज का हिस्सा है, एक अनुभव है। लेकिन उस समय जो चित्र दिखाई दिया मुझे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, और मैंने देखा कि हिंदू महिलाएं सब आकर कितने सारे भजन गाती थी नर्मदा के सहित, पर मुस्लिम महिलाओं में भी जिस प्रकार के राष्ट्रगीतों की स्पर्धा चलती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने भी इतना नजदीक का हमारा गांव होते हुए, क्योंकि रात को 12 बजे तक 1 बजे तक सब ऐसा चलता रहा, उपवास करता, उनको नींद हराम करते थे, लेकिन इतनी प्रेरणा भी देते थे कि पूछो मत। और वही चित्र जब हजारों पुलिस अंदर आए और छोटे बच्चों ने तय किया, अब हमारे को बोलने की भी ताकत नहीं थी, पर वो गांव में और बच्चों ने तय किया कि वो हमको घेरते रहे। अब आ गए हजारों पुलिस हेलमेट धारी पूरे, ये नहीं मालूम था कि लाठी के अंदर किले भी लगे हुए हैं, पर उनका दावा था कि वो कुछ भी हमला नहीं करेंगे, स्मूथली हमको उठाएंगे। शिवराज सिंह जी दिग्विजय सिंह भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, उन्होंने उठाया था इस प्रकार से हमको कभी, और हॉस्पिटल में खड़े हुए थे माफी मांगते हुए जब हमको गिरफ्तार किया था, पर पुलिसों को पट्टा और बैच और सब निकाल कर गिरफ्तारी करवाई थी। अभी वो घाटी में चल रहे हैं ना पद यात्रा में, तो ये याद आई सबको, इसलिए मैं कह रही हूँ। और यहाँ दूसरा चित्र था, हजारों पुलिसों को लाना और स्वास्थ्य के नाम पर पूरा एक अस्वस्थ सब जगह अस्वस्थ समाज को करके जाना, तो उसमें जो बच्चियां खड़ी थी एक बाजू या अल मदद और दूसरी बाजू पे लड़ेंगे जीतेंगे, ये जो
जिसको एक आक्रोश आसमान गूंजने वाला फैला हुआ था, आपने शायद सोशल मीडिया कहीं के दिखा होगा, वो है आज भी अस्त्र शस्त्र नहीं तो, लेकिन वो एक चित्र आंदोलन के दौरान पैदा होना से लगता है बहुत महत्व की बात होती है। और ऐसे मौके जब जब आते हैं एक मुद्दे पर चल रहे संघर्ष या निर्माण कार्य में, जातिवाद और सांप्रदायिकता या हर प्रकार का भेदभाव मिटाने के, महिलाओं की ताकत जो इस बार खड़ी हुई, वो बहुत पहले होती थी पर बीच में बांध रुका हुआ था, पर हमने देखा कि उस महिलाओं की ताकत ने सरकार हो चुका है। हम जेल में होते हुए हजारों महिलाओं का जेल भरो, हजारों महिलाओं ने मध्य रात्र उसके बाद भी वहां डटे रहना पुलिसों की पूरी ताकत को ही खत्म करने वाली बात थी। और सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कि गांव खाली करो 31 जुलाई तक, उसको भी चुनौती इसी ताकत ने देकर गांव खाली नहीं किए, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मैं बताऊं आपको कि एक बाजू निर्भया जैसे मुद्दे पर आंदोलन चल रहे हैं, हम सब लोग उसमें कहीं ना कहीं रास्ते पर आते हैं, बोलते हैं, भूमिका लेते हैं, पर साथ साथ महिलाओं की हर कार्य में सहभागिता, जो जेपी का नारा था उस समय का, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, आज भी नहीं दिखती है। इसके बावजूद कि 33% या 50% की बात होती है, निर्णय कई राज्यों में हुए, अमल हुआ, मैं खत्म ही करने जा रही हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष में बहुत दूर है वो सपना आज, क्योंकि आज भी चूल्हा नहीं छूट रहा है। इतना ही नहीं, आज भी उपनिवेशवाद के नए वातावरण में महिला को ही लक्ष्य बनाया जा रहा है। जाति या दंगों के बीच में भी हमने अनुभव किया है और अपने गांव घरों में भी, इसीलिए इसको हम लोग कैसे चुनौती दें, ये सवाल है। उस उपभोग के बाद को बढ़ावा देने वाली कोई भी कृति हमसे नहीं होनी चाहिए। Presenting ourselves as sexist और एक प्रकार से ये भी नहीं होना चाहिए और उनको एक मौका भी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे बीच में बहुत चुनौती है, वो कैसे हम अपनाएंगे आप सोचिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसमें पूरे पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, पर जैसे एक एक चीज जुड़ी जुड़ी हमारे सामने आती है। गौरी लंकेश की हत्या, अभिव्यक्ति को नकारना, सांप्रदायिक तत्वों ने उनके खिलाफ लिखने वालों को एक प्रकार की चुनौती देना, और तीसरी बाजू एक महिला पत्रकार का उभर आना, सहन न होना, ये तीनों उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हुए हमारे जैसे को दिखते हैं। तो हम लोगों को भी ये सभी मुद्दों को जोड़ कर रखना और उसके तहत हमारी व्यापक भूमिका लेकर हमारे कार्य में उतरना, ये बहुत जरूरी है। वैकल्पिक राजनीति के मुद्दे पर मैं दो ही शब्द बोलकर खत्म करूंगी। आज आनंद कुमार होते तो वही बोलते, अच्छा होता। आज योगेंद्र यादव जी और वो भी वैकल्पिक राजनीति के इसमें चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी वैकल्पिक राजनीति के तहत अपने को मानती है, लेकिन मुझे शंका है कि सही में एक सशक्त विकल्प, इतना सशक्त कि आज की दलीय चुनावी राजनीति के तमाम जो वाइसेस हैं, जो विकृतियां हैं, उसको खत्म करने की कामगिरी हम लोग इन पार्टियों के द्वारा भी कर पाएंगे क्या, ये बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है योगेंद्र यादव जी अभी जय किसान आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं, एक उभर कर नेतृत्व किसानों के आंदोलनों का आया है, पर चुनाव की चुनौती जो है वो तो अभूत ही है, और वो पूरी व्यवस्था बदलने के बिना न केवल चुनावी सुधार, न केवल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स संभव होना मुश्किल है। कहीं एखादा महाराष्ट्र का बच्चू कड़ू या और कहीं कुछ कुछ एमएलए चुन के आते हैं या आम आदमी पार्टी कुछ जीत हासिल करती है तो हम कह रहे हैं, पर वो भी उसके भक्ष्य और लक्ष्य बन जाते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। वो भी उसी प्रकार के, न केवल प्रचार प्रसार का तरीका, न केवल खर्चे की बात, पर एक प्रकार से गहराई के बदले थोड़ा ऊपरी ऊपरी सोच इसको लेकर चले बिना जिंदा नहीं रह पाते या अवकाश नहीं पाते। वाली
ये ही जनतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये बड़ी चुनौती है। हम कैसे कर सकते हैं ये आप तय करें, कहीं डायरेक्ट एक्शन में उतरेंगे, कहीं सपोर्टिव एक्शन में उतरेंगे। आपको अभी इन दिशाओं को निश्चित सुनिश्चित करने के बाद जो आपकी दिशा होगी, मेरे मन की बात मैं कहके जाने वाली हूँ, लेकिन आपको जिन मुद्दों को अहम महत्व देने की प्रेरणा और ऊर्जा होती है, उन मुद्दों पर ये तमाम आयाम एक एक संघर्ष के, एक एक निर्माण के, विकल्प देने तक के, या अभ्यास करने से शुरू करके साधन इकट्ठा करना, जनशक्ति इकट्ठा करने में मदद रूप होना, उनके साथ केवल खड़े रहना, ये सब करना जरूरी है। काफी हद तक जेएनयू और डीयू करता ही आया है, पर आपके जैसे हर यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले और विद्यार्थी संगठनों का जो समन्वय अभी अभी बना, उसको भी मैं सही में सलाम करती हूँ। मैं तो बेंगलोर जा भी नहीं पाई, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण है। कुछ मतभेद या कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हुए भी, कोई रूस रिवॉल्यूशन को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, उतना है। समाजवादी कांग्रेस बनी, जयप्रकाश भी कम्युनिस्ट थे, पहले मार्क्सिस्ट थे, वो समाजवादी बन गए और उन्होंने एक थोड़ा अलग रास्ता लिया, अलग अलग सोच उनकी भी रही है और अपनी भी आज भी है। मैं लोकशाही समाजवाद में मानने वाली हूँ, पर आज गांधी, अंबेडकर, मार्क्स, भगत सिंह, लोहिया, सबको एकत्रित लाने के सिवाय पूरा दर्शन नहीं हो सकता है परिवर्तन का, ये भी मानने वालों में हूँ। आप जो भी मानते हैं और जिसकी भी प्रेरणा लेते हैं, उस मुद्दे पर अपने को झोंकने का काम करेंगे। खुद की करियर, खुद का अभ्यास थोड़ा प्रभावित हो ही रहा है, आपका तो बहुत हुआ है, पर ऐसे विद्यार्थी राहियां बैठी है, सुना की आई हुई, ऐसे विद्यार्थी आप में से भी बहुत सारे हमको मिले हैं कि जिन्होंने हमको बल दिया है और इस विचार को आगे बढ़ाने में मदद की है। मैं बस इतने ही